नमस्कार, मैं जगदीश पारी हिंदी व्याकरण शास्त्र के अंतर्गत वाक्य के सातवें सत्र में वाक्य परिवर्तन के अंतर्गत आज विस्मयादि बोधक, विस्मयादि वाचक या विस्मयादि सूचक वाक्य अर्थ के आधार पर विभिन्न आठ प्रकारों में किस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है इस बारे में चर्चा करूंगा। विस्मय, जिन वाक्यों से विस्मय का, आश्चर्य का, घृणा का, शोक का, प्रसन्नता का, आह्लाद का, खुशी का, निराशा इत्यादि मनोभावों का बोध हो, वे तमाम वाक्य विस्मयादि वाचक वाक्यों के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण जैसे हरी हिंदी भी पढ़ लेता है, अरे हरी हिंदी भी पढ़ लेता है, ये विस्मयादि वाचक वाक्य है। इसी वाक्य को पूर्व की भांति विधान वाचक विधिवाचक वाक्यों में किस प्रकार बदला जाएगा, हरी हिंदी भी पढ़ लेता है, इसी वाक्य को आज्ञावाचक वाक्य में हरी अथवा कॉमा भी लगाई जा सकती है। जब संबोधन को मूल वाक्य से पृथक किया जाता है, अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, हरी हिंदी भी पढ़ो अथवा हरी अल्प विराम लगाकर भी हिंदी भी पढ़ो, इसी वाक्य को निषेधवाचक वाक्य में किस प्रकार बदला जाएगा, हरी हिंदी नहीं पढ़ता है, इसी वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में क्या हरी हिंदी भी पढ़ लेता है, इसी वाक्य को विस्मयादि वाचक वाक्य में अरे
हरि हिंदी भी पढ़ लेता है। इसी प्रकार हम विभिन्न प्रकार के जो वाक्य हैं इन वाक्यों में इनको और अधिक इसी प्रकार इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत काश हरी हिंदी भी पढ़ लेता। संदेहवाचक संभवत है या शायद हरी हिंदी भी पढ़ लेता हो। और अंतिम संकेत वाचक जिन वाक्यों में एक क्रिया किसी दूसरी क्रिया पर आश्रित होती है अगर अथवा यदि हरी हिंदी भी पढ़ लेता तो उसे यहां आसानी होती आसान होना निर्भर है हरी के हिंदी पढ़ने पर। संकेत वाचक वाक्य एक ही था हमारा विस्मयादि वाचक विभिन्न अर्थों को वाक्य में अर्थों को बदलकर हमने विभिन्न प्रकार के नए नए वाक्यों में इसका परिवर्तन किया तो इसी प्रकार यदि हम अभ्यास करें तो निश्चित रूप से वाक्य परिवर्तन को समझना बहुत आसान हो जाएगा। आगे आने वाले सत्र में इच्छावाचक संदेहवाचक और संकेतवाचक वाक्यों के परिवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।